दोस्तों एक सवाल है जो मेरे हिसाब से आप सब लोग जानना चाहते ही होगे, और वो सवाल क्या है? सर मेरे पास एक YouTube चैनल है और मैं वहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज की वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ। मतलब पहले दिन न्यूज़ की, दूसरे दिन वहाँ पर डालना चाहता हूँ एजुकेशन की, उसके बाद टेक्नोलॉजी की, उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट की। तो क्या हम एक ही चैनल पर अलग अलग कैटेगरीज के वीडियो को अपलोड कर सकते हैं? क्या YouTube गाइडलाइन के खिलाफ नहीं होगा? और क्या अगर मैं चाहूँ तो क्या क्या तरीके हैं जिनसे मैं सारा काम कर सकूँ? भी कुछ काफ़ी लोग हैं जिनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है लेकिन उसके बाद भी वो सब ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन बनती है, आप ट्राई कर भी सकते हो और ट्राई कब नहीं कर सकते, इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं YouTube की तरफ से हाल ही में नई कम्युनिटी गाइडलाइंस दी गई है, जिनके अंदर बताया गया है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है या फिर आपको YPP मतलब YouTube पार्टनर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो आपके चैनल पर मिक्स कंटेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ साफ पता लगना चाहिए कि आपके चैनल पर आप क्या प्रोवाइड करवाते हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसका मतलब तो साफ साफ ये हो गया कि हम हमारे चैनल के ऊपर अलग अलग तरह की वीडियो नहीं डाल सकते। लेकिन रुकिए, इस वीडियो के अंदर मैं यही बताने वाला हूँ कि हम डालेंगे भी, फायदा भी उठाएंगे, व्यूज भी इंक्रीज करेंगे और हमारा चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। वो कैसे? देखिए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हम इसको डिवाइड करते हैं अलग अलग टू पार्ट्स के अंदर। पहला पार्ट है प्री मोनेटाइजेशन और उसके बाद है पोस्ट मोनेटाइजेशन। मतलब एक तरीका वो होगा जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है और दूसरा वो होगा जब आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। यहाँ पर अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो आपके चैनल पर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर करके देख सकते हो। एक कैटेगरी में ट्राई करो, नहीं चल रहा, 30 वीडियो बना के देख ली, नहीं चल रहा। दूसरी कैटेगरी में ट्राई करके देखो, नहीं चल रहा, लिव इट, छोड़ दो उसको और दूसरी कैटेगरी के ऊपर ट्राई करो। जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो सारी कैटेगरी ट्राई करके देख लो। लेकिन अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो मेरे हिसाब से आपको ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपका चैनल डिमोनेटाइज भी हो सकता है, ये आपकी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे, सर हमने तो चैनल मोनेटाइज किया नहीं, उससे पहले आप कैसे बता रहे हो कि हम अलग अलग कैटेगरीज में वीडियो अपलोड कर सकते हैं? तो सर आपकी जो भी वीडियो चल पड़े, मतलब लाख पार कर जाए या फिर जिससे भी वॉच टाइम पूरा हो, उस वीडियो के रिलेटेड वीडियोज को रख के बाकी वीडियोज को डिलीट कर सकते हो। अब वो वीडियो आपके कोई काम की है भी नहीं, बिकॉज वो वीडियो आपके फिलहाल कोई भी काम नहीं आएंगी। अब बात करते हैं सर इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। तो इसके एडवांटेज ये है कि अगर आपके चैनल पर व्यूज बहुत कम आते हैं, मतलब व्यूज आते ही नहीं है, तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि सर मेरे चैनल पे कौन से व्यूज मतलब आ सकते हैं, कौन से कैटेगरी मेरा चैनल चल सकता है। आप अलग अलग नीच ट्राई करके देखिए, आपके व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपके चैनल पे आपने अलग अलग कैटेगरीज की वीडियो अपलोड कर दी और आपका कंटेंट मिक्स हो गया, तो आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है और आपको फिलहाल कौन सा कंटेंट उनको प्रोवाइड करवाना है। ये दिक्कत मेरे साथ भी आ जा रही है, बिकॉज मेरे चैनल पर यूट्यूब की वीडियो, किनमास्टर की वीडियो, फेसबुक की वीडियो, गाइड की वीडियो सारी चलती है। अब मैं खुद कंफ्यूज हूं कि मेरे को कौन सा वीडियो डालना चाहिए, मेरी ऑडियंस को कौन सा वीडियो देखना पसंद है, और फिलहाल मेरे लिए भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो एक गलती तो आपके लिए ये हो सकती है, लेकिन मेरा एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैंने एक ही जो कैटेगरी होती है वहाँ पे काम किया है, मैंने नीच अलग अलग कर दी। और नीच का बात करूँ तो सब कैटेगरी होता है, कुछ ऐसा समझ लीजिए हाल ही के लिए। तो दोस्तों आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, और मेरे हिसाब से अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको एक ही नीच पे काम करना चाहिए। अब दोस्तों एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप खुद लोग सोच के सोचोगे, यार कितने कमाल की बात बता दी ना, मैं बताऊंगा इसके शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर कितने फर्क है। तो अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, मतलब कुछ छोटे इंटरवल की, स्मॉल इंटरवल की, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक महीने की, मैंने एक महीने तक लगातार टेक फील्ड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर निच के ऊपर वीडियो डाली और वो थी मेरी बाइंग गाइड के ऊपर। मैंने अगले ही महीने दूसरी निच पकड़ ली, टेक्नोलॉजी को नहीं छोड़ा और मैंने मोबाइल के ऊपर वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। उसके अगले महीने में मैंने एक अलग निच पकड़ी और मैंने टेक्नोलॉजी की फील्ड को पकड़ते हुए किसी और निच पे कंटेंट बना दिया, लेकिन मेरा जो मेन कंटेंट है वो टेक्नोलॉजी का ही है। अब मेरा कंटेंट यहाँ पे मिक्स नहीं कहलाएगा। और अगर आप यहाँ पे अब अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो आपके चैनल पे मिक्स कंटेंट नहीं बोला जाएगा और आप आपके चैनल पे इजीली टेक्नोलॉजी के रिलेटेड सारी के सारी वीडियोज को अपलोड कर सकते हो।
ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। अब यहाँ पे इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा वो क्या होगा, देखिए अगर आपको लगता है कि आपकी एक वीडियो फिलहाल नहीं चल रही है, सर आने वाले टाइम में आपकी वो वीडियो 100% चलने के चांसेस बन जाते हैं, बिकॉज वो वीडियो सर्च रिजल्ट के अंदर, सजेशन के अंदर, ब्राउज फीचर में दूसरे लोगों के पास जरूर से जाती है। आप देखेंगे जब मैं यूट्यूब की वीडियोज बनाता था तो मेरे 1000-2000 व्यूज आते थे, लेकिन जब मैंने फेसबुक का वीडियो बनाया था तो मेरे व्यूज आए थे 150-200 के आसपास, लेकिन आज वही वीडियो 180,000 से भी ज्यादा जा चुका है। इसका मतलब क्या है, हमें अपनी निच को छोड़कर अदर निच भी ट्राई करनी चाहिए, चैनल पे एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। अब आप देखेंगे हमारे चैनल पर DSLR की वीडियो चल रही है, AC की वीडियो चल रही है, यहाँ पर मतलब जितनी बाइंग आइड अपनी वो भी चल रही है, फेसबुक चल रही है, यूट्यूब चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो आपको हर एक निच ट्राई करके देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी को मिक्स मत कीजिए, मेरा फाइनल आउटपुट आपको यही रहेगा। और अब बात करते हैं इन सबको सुनने के बाद मेरी आपको क्या सलाह रहेगी, तो फाइनल वर्ड्स मेरे यही रहेंगे कि अगर आपको आपके चैनल पर एक्सपेरिमेंट करना, आपके व्यूज नहीं आ रहे, तो आप जरूर से अलग अलग कैटेगरी ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आपका चैनल ऑलरेडी मोनिटाइज हो चुका है तो एक्सपेरिमेंट भूल कर भी मत कीजिएगा। इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, आपका जो चैनल है उसका मोनिटाइजेशन डिसेबल किया जा सकता है। सो आई होप गाइज कि इतना लंबा वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और सब कुछ लगभग A to Z डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर डाउट क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसी कमाल कमाल की और वीडियोस देखने के लिए आप टेक टाइमर को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा सकते हो। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।